दिखाई दे रही है ना पीपीटी? हेलो। यस सर, विजिबल। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन यूनिट 2, एसोसिएशन रूल माइनिंग। व्हाट इज द एसोसिएशन रूल माइनिंग? जब हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज द एसोसिएशन रूल माइनिंग इन व्हाट इज मीन्ट बाय द एसोसिएशन रूल माइनिंग, मीन्ट बाय एसोसिएशन रूल माइनिंग होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द एसोसिएशन रूल माइनिंग एट ए बेसिक लेवल इन्वॉल्व द यूज ऑफ मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स टू एनालाइज डेटा फॉर पैटर्न्स और को अक्रेंस इन द डेटाबेस। इट आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंट इफ देन एसोसिएशंस विच देम सेल्वेज आर द एसोसिएशन रूल्स। मीन्स कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी एसोसिएशन रूल्स को हम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ बेसिक लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं। मशीन लर्निंग के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिन मॉड्यूल्स के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं और कुछ पैटर्न्स तैयार करते हैं, जो पर्टिकुलर एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जो एक आइडेंटिफिकेशन जो होता है किसी भी डेटा एसोसिएशन रूल्स के लिए, जो पर्टिकुलर हम एक हायरार्की और सीक्वेंस जनरेट करते हैं उसके लिए। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं, व्हाट इज एसोसिएशन रूल विथ एग्जांपल, होता क्या है एसोसिएशन रूल, इसका क्या एग्जांपल हो सकते हैं। एसोसिएशन रूल लर्निंग वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट सच एज ए देन बी। हियर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एंटीसेंट and then the statement is called as the consequent, this type of relationship where we can find out some association or relation between two item as known as single credentiality। जब हम पर्टिकुलर किसी भी एसोसिएशन रूल लर्निंग प्रोसेस को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जिस तरीके से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी जब प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो इफ़ एल्स कंडीशंस के अंदर हम चलाते हैं। इफ़ का मतलब पॉसिबिलिटी, एल्स का मतलब नेगेशियबल, नेगलेजिबल जिसको बोल सकते हैं हम। कि इफ़ कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए आता है तो हम सबसे पहले इफ़ में कंडीशन को डालते हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एल्स में चला जाता है। इसमें एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा के पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं तब हम इफ एल्स कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं जिसको हम कोसिक्वेंस बोलते हैं। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोसिक्वेंस बोलते हैं। अब दूसरी चीज में बात करूँ, व्हाट आर द मेन टू स्टेप ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। दो मेन जो स्टेप्स होती हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग्स की, वो कौन कौन सी होती हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले स्टेप वन की जब हम बात करते हैं तो होता है, पहला होता है फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम, फाइंड ऑल फ्रीक्वेंट आइटम्स। एन आइटम इज ए सेट ऑफ आइटम दैट अकर इन ए शॉपिंग बास्केट। दूसरी स्टेप टू, जनरेट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल फ्रॉम द फ्रीक्वेंट आइटम्स, दूसरी व्हाट इज एसोसिएशन एनालिसिस इन डेटा माइनिंग। एसोसिएशन एनालिसिस डेटा माइनिंग में क्या होता है, एसोसिएशन एनालिसिस इज द टास्क टू फाइंडिंग, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप इन लार्ज डेटा सेट। सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ, एसोसिएशन रूल माइनिंग या एसोसिएशन एनालिसिस क्या होता है, एक
इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करता है जब किसी भी लार्ज डेटा सेट को हम जनरेट करते हैं और उनमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम माइंस करते हैं, तब हमारे लिए एसोसिएशन एनालिसिस काम में आता है। दीज इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप कैन टेक टू फॉर्म। फर्स्ट वन इज द फ्रिक्वेंट आइटम और दूसरे सेकेंड वन इज द एसोसिएशन रूल। ये दोनों को दोनों रूल्स होते हैं। अब इसके अंदर एक होता है व्हाट इज एसोसिएशन रूल माइनिंग विथ एप्रोप्रियर एल्गोरिथम। एप्रोप्रियर एल्गोरिथम को जब हम यूज में किस तरीके से लेते हैं, जब कोई पर्टिकुलर एप्रोप्रियर एल्गोरिथम को यूज में लेते हैं तो हम एल्गोरिथम को एक फ्रिक्वेंट माइनिंग एसोसिएशन रूल्स लर्निंग रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में हम इसको अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है, इट प्रोड्यूज बाय आइडेंटिफाइंग द फ्रिक्वेंट इंडिविजुअल आइटम इन द डेटाबेस एंड एक्सटेंडिंग देम टू लार्ज एंड लार्जर आइटम सेट एज द लॉन्ग एज दोज आइटम सेट अपीयर द सफिशिएंट ऑप्शंस इन द डेटाबेस सिस्टम्स। एक चीज होता है, एक डिफरेंस और देखते हैं क्या कि एसोसिएशन रूल और एक क्लस्टरिंग के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन रूल एंड क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग वर्सेस एसोसिएशन रूल्स, द क्लस्टरिंग टेक्निक कैलकुलेट द क्लस्टर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। ध्यान से सुनना, क्लस्टरिंग टेक्निक कैलकुलेट क्लस्टर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। दूसरा होता है वेयर एसोसिएशन रूल माइनिंग फाइंड द एसोसिएशन बेस्ड ऑन को अकरेंस। फॉर ए जनरल रिटेल स्टोलर स्टोर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में प्लेस वाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रीड टूगेदर ड्यू टू देयर सिमिलरिटीज। अब एसोसिएशन रूल्स कितने टाइप का होता है, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ एसोसिएशन रूल्स। टू टाइप ऑफ एसोसिएशन रूल्स होता है, पहला होता है मल्टी रिलेशन एसोसिएशन रूल्स, एक होता है जनरलाइज्ड एसोसिएशन रूल्स। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं एसोसिएशन रूल्स की। एन एसोसिएशन रूल कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ आइटम्स, द बॉडी द रूल बॉडी लीडिंग टू अनदर आइटम द रूल हेड। द एसोसिएशन रूल रिलीज द रूल बॉडी विथ द रूल हेड, द रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्टिंग द सपोर्ट वैल्यू ऑफ द हेड फ्रॉम द कॉन्फिडेंस वैल्यू ऑफ द रूल्स। एंड हाउ मैनी एसोसिएशन रूल कैन बी यूज, हम कितने एसोसिएशन रूल्स जो डे टू डे लाइफ में डेटाबेस प्रोसीजर के लिए हम यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देन द नंबर ऑफ पॉसिबल एसोसिएशन रूल लाइक 602। By the way, the expression is also correct the country, the number of possible participant and ordered sequential rule or the partially ordered episode rules. These rules we have to use in mining process. एक होता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एसोसिएशन रूल्स, कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। सो वी विल डिस्कस हियर द एसोसिएशन रूल लर्निंग इज द इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ द मशीन लर्निंग एंड इट इज द एम्प्लॉयड इन मार्केट बास्केट एनालिसिस वेब यूजेज माइनिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड इन द मार्केट बास्केट एनालिसिस इट इज द एडिक्वेट यूज्ड बाय द सेवरल बिग रिटेलर टू फाइंड द रिटेल अमंग द आइटम्स। इसकी कुछ फिक्स एप्लीकेशंस भी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। एक होता है मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर में हम इसको यूज में लेते हैं। एक होता है GIS, जो आजकल आप जो एक ऐड आता है FM वगैरह पे GIS टैग जो पश्मीना समथिंग करके वो आता है, ये उस उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें एसोसिएशन रूल्स यूज में लेते हैं। एक होता है रिलेशनशिप डेटाबेस के लिए, एक लार्ज डेटाबेस और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज लेते हैं। एक होता है व्हाट इज द एसोसिएशन रूल जनरेशन। एसोसिएशन रूल जनरेशन क्या होता है,
एसोसिएशन रूल आर द स्टैटिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर आइटम इन द डेटा सेट. इन ए सुपर मार्केट बास्केट एप्लीकेशन एसोसिएशन एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन आइटम दैट आर बजट टूगेदर. इट इज फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग इफ वी फाइंड आउट देन इन 70% ऑफ दीज केसेस वेन द पीपल बाई ब्रेड दे आल्सो बाई मिल्क. कि वो डिपेंडेंसी करता है कि जब हम बास्केट तैयार करते हैं तो जो कस्टमर्स हैं वो दूध खरीद रहा है कि ब्रेड खरीद रहा है या कुछ और अदर देन कुछ भी चीज़ों को वो यूज में ले रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं. तो चलिए अब हम पीपीटी पे आते हैं. सो हम बात करते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग. देन एसोसिएशन रूल माइनिंग एट ए बेसिक लेवल इन्वॉल्व द यूज ऑफ द मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स टू एनालाइज द डेटा फॉर द पैटर्न और को अकरेंस इन द डेटाबेस. इट आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंट इफ देन द एसोसिएशन विच देमसेल्व्स आर द एसोसिएशन रूल्स. देन नेक्स्ट है एसोसिएशन रूल लर्निंग. व्हाट इज द एसोसिएशन रूल लर्निंग प्रोसेस. एसोसिएशन रूल लर्निंग इज ए टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक दैट चेक्स फॉर द डिपेंडेंसी ऑफ वन डेटा आइटम टू अनदर डेटा आइटम मैप्स अकॉर्डिंगली सो दैट इट कैन बी मोर प्रॉफिटेबल. अब एक इसके अंदर वर्ड आया है कि एसोसिएशन रूल माइनिंग इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक. व्हाट इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक. बेटा किसी का माइक ऑन है. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स का मतलब क्या होता है मशीन लर्निंग के अंदर. कि कोई भी मशीन लर्निंग होती है वो तीन तरीके की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और एक होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग. तो सुपरवाइज्ड के अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को यूज लेते हैं तो वो पर्टिकुलर लेवल्ड फॉर्म में होता है. लेवल्ड फॉर्म मीन्स कि एक सिस्टमेटिकली सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है. दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज्ड का मतलब क्या होता है. अनसुपरवाइज्ड का मतलब क्या होता है. अनसुपरवाइज्ड के अंदर हमारे पास में कोई भी डेटाबेस के अंदर डेटा सेट होते हैं वो एक लार्ज डेटा सेट होते हैं लेकिन वो पर्टिकुलर एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लेबल्ड फॉर्म में नहीं होते हैं. तो सबसे पहले जब हम किसी भी डेटा को यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हम उसको सुपरवाइज्ड वे में लेके चलते हैं और जब सुपरवाइज्ड से हम उसको अनसुपरवाइज्ड वे में लेके चलते हैं तो सुपरवाइज्ड जो अनसुपरवाइज्ड डेटा है उसको सुपरवाइज्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसको सबसे पहले एक सिक्वेंशियल फॉर्म जनरेट करना पड़ता है. देन उसको लेबलिंग डिसाइड करना पड़ता है. सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो डेटाबेस के अंदर एक प्राइमरी की को जनरेट करना पड़ता है. उस प्राइमरी की से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच डेटा वेयर सिचुएटेड. नेक्स्ट इट ट्राई टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग रिलेशन और एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल ऑफ डेटा सेट. इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट रूल टू डिस्कवर द इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इन द डेटाबेस. नेक्स्ट द एसोसिएशन रूल लर्निंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड इट इज द एम्प्लॉयड इन द मार्केट बास्केट एनालिसिस वेब यूजेज माइनिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन एटसेट्रा. हियर द मार्केट बास्केट एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज बाई द वेरियस बिग रिटेलर to discover the association between the items. We can understand it by taking an example of a supermarket. As in the supermarket, all products that are bunched together are put together. Like, example. For example, if a customer buy bread, he most likely can also buy the butter, egg, milk. So these products are stored within a shelf or mostly nearby. Consider the below diagram. Suppose हम किसी भी रिटेल स्टोर में जाते हैं
तो अगर किसी कस्टमर को सबसे पहले ब्रेड की रिक्वायरमेंट है तो वो सबसे ज़्यादा किसको लाइक करेगा, ब्रेड के साथ में बटर को लाइक करता है तो वो उसके आसपास ही मिलेगा कहीं। कोई अगर कोई एग लाइक करता है, कोई मिल्क लाइक करता है, यानी कि किसी भी जो जनरल स्टोर की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर जब जितने भी आइटम्स हैं वो एक दूसरे के बाद में कोई सिक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं, कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करना पड़े, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही कलेक्ट करें और बिलिंग काउंटर तक वो पहुंच सकें। सबसे पहले जब वो बास्केट, सपोज कस्टमर वन है, कस्टमर वन क्या कर रहा है, उसके नीड्स क्या है, मिल्क है, ब्रेड है एंड बटर है। देन मिल्क ब्रेड ले रहा है तो जाहिर सी बात है बटर भी लेगा, और बटर ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो मिल्क भी लेगा। तो कस्टमर वन की नीड्स को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। देन कस्टमर टू की मैं बात करता हूँ, कस्टमर टू आया, उसको क्या मिल्क रिक्वायरमेंट भी है, ब्रेड की रिक्वायरमेंट भी है, बटर की भी, और ये सीरियल्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये कलेक्ट करेगा। कस्टमर थ्री आ रहा है तो वो भी, उसको भी वही सेम, कस्टमर एन नंबर ऑफ कस्टमर आ रहा है, सपोज उसको शुगर की रिक्वायरमेंट है, एग्स की रिक्वायरमेंट है और ऑयल्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस कस्टमर के नंबर ऑफ कस्टमर्स रिटेल स्टोर्स के अंदर रीच करते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स हो सकती हैं, लेकिन जब हम उस डेटा को सेग्रीगेट करते हैं तो वो क्या होता है, एक अनसुपरवाइज फॉर्म में होता है। मीन्स कि किसी भी कस्टमर के डिमांड्स को हम पहले से ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि कौन सा कस्टमर, विच कस्टमर स्पेसिफाई विच डिमांड। उन सारी चीज़ों के लिए हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। एक होता है एसोसिएशन रूल लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स। विच टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स? पहली होती है एप्रोप्रिएट, और एक होती है इलकेट, और एक होता है एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम्स। इनके बारे में हम वन बाय वन करके आगे डिस्कस करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम इन लेटर चैप्टर। जो अब एक होता है, हाउ डज एसोसिएशन रूल वर्क, किस तरीके से एसोसिएशन रूल काम करता है। जब सपोज ए से बी में मैं जाता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक किसी भी प्रोग्राम को जब हम जनरेट करते हैं तो इफ एल्स कंडीशंस होती हैं। इफ कंडीशन जब सेटिस्फाई करता है, जब हम पर्टिकुलर किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एल्स जब हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, एल्स कंडीशन में फुलफिल करते हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर भी सेम एज इट इज रूल अप्लाई होता है कि सपोज कंडीशन ए इज सेटिस्फाइड देन बी इज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन बी सेटिस्फाइड देन ए इज नॉट सेटिस्फाइड, इज ऑल आर एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम्स। सो एसोसिएशन रूल लर्निंग वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट सच एज द ए एंड बी, लाइक इफ इफ ए स्टेटमेंट देन बी स्टेटमेंट्स। सो हियर द इफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एंटीसेंट एंड देन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द कॉसिक्वेंट। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर वी कैन फाइंड आउट सम एसोसिएशन एसोसिएशन और रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स इज नोन एज सिंगल क्रेडेंशियलिटी। इट इज ऑल अबाउट अबाउट क्रिएटिंग रूल, एंड इफ द नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज देन द क्रेडेंशियलिटी आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली। सो द मेजर ऑफ मेजर द एसोसिएशन बिटवीन थाउजेंड्स ऑफ द डेटा आइटम्स, देर आर द सेवरल मेट्रिक्स, दीज मेट्रिक्स आर गिवन। फर्स्ट होता है सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिप। लेट्स इनके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और हाउ फ्रीक्वेंसी एन आइटम अपीयर्स इन द डेटा सेट। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन टी दैट कंटेन्स द आइटम एक्स। इफ देर आर एक्स डेटा सेट देन फॉर द ट्रांजेक्शन टी इट कैन बी रिटन एज। फर्स्ट होता है सपोर्ट, सपोर्ट एक्स इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी एक्स अपॉन टाइम टी और ट्रांजेक्शन टी। नेक्स्ट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंडिकेट्स हाउ ऑफन द रूल हैज बीन फाउंड टू बी ट्रू और हाउ ऑफन द आइटम एक्स एंड वाई अकर टूगेदर इन द डेटा सेट। वेन द अकरेंस ऑफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन, इट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स एक्स वाई टू द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कंटेन्स एक्स। देन द कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई अपॉन फ्रीक्वेंसी एक्स लिफ्ट। लिफ्ट में इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी रूल विच कैन बी डिफाइंड एज बिलो फॉर्मूला। लिफ्ट इक्वल टू सप्लाई एक्स वाई अपॉन सप्लाई एक्स इंटू वाई। देन इट इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड सपोर्ट मेजर एंड एक्सपेक्टेड सपोर्ट। इफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इट हैज थ्री पॉसिबल वैल्यूज। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इट हैज थ्री पॉसिबल वैल्यूज। फर्स्ट इफ लेफ्ट इक्वल टू वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन एंटीसेंट एंड को सिक्वेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक होता है लेफ्ट ग्रेटर देन वन, इट डिटरमाइंस द डिग्री टू विच द टू आइटम्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टू ईच अदर। एक होता है लेफ्ट लेस देन इक्वल टू लेस देन वन, देन इट टेल अस दैट वन आइटम इज ए सबटाइटल्ड सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द अदर आइटम्स विच मीन वन आइटम हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन अनदर्स। टाइप ऑफ एसोसिएशन रूल लर्निंग, व्हाट आर द टाइप ऑफ एसोसिएशन लर्निंग रूल्स। एसोसिएशन रूल लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री एल्गोरिथम्स। विच एल्गोरिथम्स? एक होता है एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम्स। दिस एल्गोरिथम यूज द फ्रीक्वेंट डेटा सेट टू जनरेट द एसोसिएशन रूल्स। इट इज डिजाइंड टू वर्क ऑन द डेटाबेस दैट कंटेन्स द ट्रांजेक्शन। दिस एल्गोरिथम यूज ए ब्रीथ फर्स्ट सर्च BFS एंड हैश ट्री टू कैलकुलेट द आइटम एफिशेंटली। देन आफ्टर इट इज मेनली used for the market basket analysis and help to the understand the product that can be bought together. It can also be used in the healthcare field to find the drug reaction for the patients. एक होता है ELEC algorithm, इसमें ECLET algorithm stands for equivalence class transformations. This algorithm uses a depth first search technique to find the frequent item in the transaction database. It performs the faster execution than appropriate algorithms. Then FP growth algorithm. FP growth algorithm hota kya hai? FP growth algorithms. The FP growth algorithm stands for frequent pattern and it is the improved version of the appropriate algorithm. It represents the database in the form of a tree structure that is known as frequent pattern or tree. The purpose of this frequent tree is to extract the most frequent patterns. एक होता है एप्लीकेशन ऑफ रूल लर्निंग। एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएशन रूल लर्निंग
इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन इन मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग. बिलो आर सम पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएशन रूल लर्निंग. नंबर वन, मार्केट बास्क एनालिसिस. इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग. दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज बाई बिग रिटेलर टू डिटरमाइन द एसोसिएशन बिटवीन आइटम्स. एक होता है मेडिकल डायग्नोसिस. विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन रूल पेशेंट्स कैन बी कर्व्ड इजीली एज इट हेल्प्स एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलनेस फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज. एक होता है प्रोटीन सीक्वेंस. प्रोटीन सीक्वेंस में क्या होता है, द एसोसिएशन रूल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सिंथेसिस ऑफ द आर्टिफिशियल प्रोटीन्स. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द कैटलॉग डिजाइन एंड लॉस लीडर एनालिसिस एंड मेनी मोर अदर एप्लीकेशंस. माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न एसोसिएशन एंड कोरिलेशंस. नंबर वन, फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग इन डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और एसोसिएशंस विद इन ए डेटा सेट दैट अकर फ्रीक्वेंसी. दिस इज टिपिकली डन बाय द एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट टू फाइंड आइटम और सेट ऑफ आइटम्स दैट अपीयर टुगेदर फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट होता है, देर आर द सेवरल डिफरेंट एल्गोरिथम यूज्ड फॉर द फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग इंक्लूड्स. कौन कौन सी डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं. फर्स्ट होती है एप्रोप्रियर एल्गोरिथम्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम फॉर द फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग. इट यूज ए बॉटम अप अप्रोच टू आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंट आइटम्स एंड देन जनरेट्स एसोसिएशन रूल फ्रॉम दोज आइटम्स. एक होता है ई क्लेट एल्गोरिथम. ई क्लेट एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम यूज ए डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच टू आइडेंटिफाई द फ्रीक्वेंट आइटम्स. इट इज द पर्टिकुलरली एफिशेंट फॉर द डेटा सेट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स. एक होता है एफ पी ग्रोथ एल्गोरिथम. एफ पी ग्रोथ एल्गोरिथम क्या होता है, दिस एल्गोरिथम यूज ए कंपनसेशन टेक्निक टू फाइंड द फ्रीक्वेंट पैटर्न एफिशेंटली. इट इज द पर्टिकुलरली एफिशेंट फॉर द डेटा सेट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस. एक होता है फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग हैज मेनी एप्लीकेशन सच एज द मार्केट बास्केट एनालिसिस, रिकमेंडेड सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन एंड मेनी मोर्स. नेक्स्ट होता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रूल एसोसिएशन डेटा माइनिंग. क्या होता है एडवांटेज, सो लेट मी डिस्कस एडवांटेज. इट कैन फाइंड द यूजफुल ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट विजिबल इन द सिंपल डेटा ब्राउजिंग. इट कैन फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट विजिबल इन सिंपल डेटा ब्राउजिंग. एंड अनदर वन इज द व्हाट इट कैन फाइंड इंटरेस्टिंग एसोसिएशन एंड कोरिलेशन अमोंग डेटा आइटम्स. अनदर वन इज दैट व्हाट इज द डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज, इट कैन जनरेट ए लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न्स. एडवांटेज क्या होता है कि एक ये विजिबल एक सिंपल डेटा ब्राउजिंग होता है, जबकि डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक जनरेट करता है लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न्स को जनरेट करता है. अनदर क्या होता है, विथ हाई डायमेंशनलिटी द नंबर ऑफ पैटर्न कैन बी वेरी लार्ज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इंटरप्ट द रिजल्ट्स. एक होता है द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्रिएट ए लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा एंड स्टोर्स. डेटाबेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली एंड इन दिस कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड एवरीथिंग इज द शिफ्टिंग ऑनलाइन एंड डेटा इज इंक्रीजिंग एज ए न्यू कंकरेंसी
data comes in the different shape and size and is collected in the different way by using data mining. There are the many benefits. It helps us to improve the particular process, and in some cases it cost saving or revenue generations. Data mining is commonly used to search a large amount of data for the pattern and trend, and not only for the searching. It uses data for further process and develop actionable and processable. Data mining is the process of converting raw data into suitable pattern based on trends. इसके अंदर क्या होता है, डेटा माइनिंग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न एंड फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग्स इज वन ऑफ देम. दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर माइनिंग ट्रांजेक्शन डेटाबेस. फ्रीक्वेंट पैटर्न आर पैटर्न्स सच एज आइटम्स सब और सब स्ट्रक्चर्स दैट अपियर द फ्रीक्वेंसी इन द डेटाबेस. इट इज एन एनालिटिकल प्रोसेस that finding frequent pattern association or casual structured from database in the various database. Ek hota hai, this process item to find the frequency occurring item in a transaction by frequent pattern. We can identifying the strongly correlated item together, and we can identify the similar characteristics and association among them. By doing the frequent data mining, we can go further for the clustering and associations. एक होता है frequent pattern mining is a major concern. It play a major role in the association and correlation and disclosure in the instruct and important property of the डेटा सेट्स. कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो एसोसिएशन रूल माइनिंग्स के अंदर हम यूज में लेते हैं. वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, नेक्स्ट ये आपके सामने एक पैटर्न माइनिंग का एक रिसर्च है, एक डायग्राम है. तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पैटर्न माइनिंग रिसर्च होता है, देन थ्री टाइप्स काइंड ऑफ पैटर्न रूल्स होता है, माइनिंग मेथड्स होता है, एक होता है एक्सटेंशंस एंड एप्लीकेशंस होता है, अनदर वन होता है बेसिक पैटर्न्स होते हैं, बेसिक पैटर्न्स, एक होता है मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल पैटर्न्स होता है, एक होता है एक्सपर्ट पैटर्न्स होता है, बेसिक माइनिंग मेथड्स होते हैं, माइनिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल एंड इंक्रीमेंटल पैटर्न्स होते हैं, एक्सटेंडेड डेटा टाइप्स होता है, एप्लीकेशंस होती हैं. अब बेसिक पैटर्न्स के अंदर चार तरीके के होता है, क्या क्या होता है, पहला होता है फ्रीक्वेंट पैटर्न, एसोसिएशन रूल, क्लाउड मैक्स पैटर्न और जनरेटर्स. मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल पैटर्न्स के अंदर थ्री टाइप्स का होता है, मल्टी लेवल जिसमें यूनिफॉर्म वेरियस आइटम बेस्ड ऑन सपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पैटर्न में हाई डायमेंशनल पैटर्न्स और कॉन्टैक्ट स्टेशन क्या होता है, डिस्चार्जेशन और बेस्ड ऑन स्टैटिकल. एक तो एक्सटेंडेड पैटर्न्स के अंदर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट पैटर्न, अनसर्टेन पैटर्न, कंप्रेस्ड पैटर्न, रेंज पैटर्न, हाई डायमेंशनल और क्रोसल पैटर्न्स. बेसिक माइनिंग में क्या होता है, कैंडिडेट जनरेशन, पैटर्न ग्रोथ, वर्टिकल फॉर्मेट्स. एक होता है माइनिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न में, इसमें होता है इंटरेस्टिंगनेस, कंस्टेंट बेस्ड माइनिंग, कोरिलेशन और एक्सटेंशन रूल्स. ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं. एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल इंक्रीमेंटल के अंदर थ्री टाइप्स का होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल माइनिंग, इंक्रीमेंटल माइनिंग और स्ट्रीम पैटर्न्स. एक्सटेंडेड डेटा टाइप्स के अंदर क्या होता है,
सिक्वेंशियल एंड टाइम सीरीज, स्ट्रक्चर्ड, स्पेटल और टेम्पोरल, इमेज वीडियो एंड मल्टीमीडिया और नेटवर्क पैटर्न्स। एक होता एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन कौन से टाइप की होती हैं, पैटर्न बेस्ड क्लासिफिकेशन, पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग, पैटर्न बेस्ड सेमेंटिक और कोलैबोरेटिव एंड प्राइवेसी प्रिवेंशन, दीज ऑल आर पैटर्न माइनिंग रिसर्च। लास्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग होता क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया था एसोसिएशन रूल माइनिंग के बारे में, कुछ आपको चीज़ें बताई थी। सबसे पहले हम अब इसी पे चीज़ पे डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एसोसिएशन रूल एनालिसिस। एसोसिएशन रूल एनालिसिस होता क्या है, एसोसिएशन रूल एनालिसिस अटेम्प्ट्स एसोसिएशन रूल एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन आइटम। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज मार्केट बास्केट एनालिसिस। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस रेफर टू द डेटा माइनिंग। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में आना, फोन यूज में ले रहा हूँ। द कॉमन एग्जाम्पल द एसोसिएशन रूल एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज मार्केट बास्केट एनालिसिस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस रेफर टू द डेटा माइनिंग सर्विस चैप्टर इन द एडवांस्ड रिपोर्टिंग हेल्प। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द बूलियन एसोसिएशन रूल। बूलियन एसोसिएशन रूल क्या होता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू हैंडल्ड इन द रूल। इफ ए रूल इन्वॉल्व्स द एसोसिएशन बिटवीन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आइटम इट इज ए बूलियन एसोसिएशन रूल्स। व्हाट is the advantage of association analysis. Association analysis is useful for the discovering interesting relationship hidden in large data set. The uncovered relationship can be represented in the form of the association rule or set frequent item. Find all the itemness that satisfy and means. एक होता है वाई एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अनसुपरवाइज्ड। एसोसिएशन रूल माइनिंग अनसुपरवाइज्ड क्यों होता है, द एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अनदर की अनसुपरवाइज्ड डेटा माइनिंग मेथड आफ्टर क्लस्टरिंग दैट फाइंड द इंटरेस्टिंग एसोसिएशन रिलेशनशिप डिपेंडेंसीज इन ए लार्ज सेट ऑफ डेटा आइटम्स। वाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएट एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग। एप्रोप्रिएट और एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होता है, द एसोसिएशन रूल डिस्क्राइब हाउ टू और मोर ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू वन अनदर। एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्वेंट पैटर्न माइनिंग्स। दीज ऑल आर फ्रिक्वेंट पैटर्न माइनिंग्स। जनरली यू ऑपरेट द एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम ऑन ए डेटाबेस दैट कंसिस्ट ऑफ ए हग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। हग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। वाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। इन एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम वॉज द फर्स्ट एल्गोरिथम that was the proposed for frequent item mining. It was later improved by the
फर्स्ट एल्गोरिथम दैट वाज प्रपोज्ड फॉर द फ्रीक्वेंट आइटम माइनिंग, इट वाज लेटर इम्प्रूव्ड बाय आर अग्रवाल. लाइक फर्स्ट इज द जॉइन, सेकेंड वन इज द प्योर टू रिड्यूस द सर्च स्पेस. विच इज द बेस्ट एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम? द एप्रोप्रियर एल्गोरिथम इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एल्गोरिथम फॉर द एसोसिएशन रूल माइनिंग. इट वर्क बाय द फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द फ्रीक्वेंट आइटम इन द डेटा सेट. एक होता है एसोसिएशन रूल माइनिंग, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड. क्या होता है एसोसिएशन रूल लर्निंग? इज ए काइंड ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक दैट टेस्ट फॉर द रिलायंस ऑफ वन डेटा एलिमेंट ऑन अनदर डेटा आइटम एंड डिजाइन अप्रोप्रिएटली शो दैट इट कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव. अब इसके अंदर बात करते हम एसोसिएशन रूल माइनिंग्स के बारे में. एसोसिएशन रूल माइनिंग्स में होता क्या है? इट इज ईजी टू फाइंड द एसोसिएशन इन फ्रीक्वेंट पैटर्न. अनदर वन फॉर ईच फ्रीक्वेंट पैटर्न एक्स फॉर ईच सबसेट वाई सी एक्स देन कैलकुलेट द सपोर्ट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई. देन इफ इट इज द ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड कीप द रूल. देर आर टू एल्गोरिथम दैट सपोर्ट दिस द लेटेंसी. एक होता है एप्रोप्रियर एल्गोरिथम, एक होता है इक्लेट एल्गोरिथम्स. एप्रोप्रियर एंड इक्लेट एल्गोरिथम्स. नेक्स्ट होता है डेटा माइनिंग टेक्निक्स. हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स वी हैव टू यूज देन वी विल डिस्कस डेटा माइनिंग टेक्निक्स. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर डेटा माइनिंग टेक्निक्स. डेटा माइनिंग की टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? हियर द 10 डेटा माइनिंग टेक्निक दैट वी विल एक्सप्लोर टू इन डिटेल. फर्स्ट क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, क्लासिफिकेशन, मशीन लर्निंग, प्रिडिक्शन एंड न्यूरल नेटवर्क. मेजर टेक्निक कौन कौन सी होती है? इनमें मेजर टेक्निक्स होती हैं डेटा माइनिंग टिपिकली यूज फॉर द टेक्निक टू क्रिएट द डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव पावर. कौन सा होता? पहला होता है रिग्रेशन, एसोसिएशन रूल, डिस्कवरी, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग. सो एंड एक होता है डेटा माइनिंग टेक्निक्स के अंदर कौन से टूल्स हम यूज में लेते हैं? तो व्हाट डेटा माइनिंग टूल्स वी हैव टू यूज इन डेटा माइनिंग टेक्निक्स. एक होता है डेटा माइनिंग टूल आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प इन द फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेटा माइनिंग टेक्निक टू क्रिएट डेटा मॉड्यूल एंड टेस्ट देम एज वेल एज. इट इज यूजली ए फ्रेमवर्क लाइक आर स्टूडियो और Tableau with a suite of the program to help build the test editor modules. एक होता है डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग इंक्लूड द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिफाइंड डेटा एनालिसिस टूल टू फाइंड द प्रीवियसली अननोन वैलिड पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन हग डेटा सेट्स. These tools can be incorporate the statistical modules, machine learning techniques, and mathematical algorithm such as the neural network or decision tree. Those data mining incorporate analysis and predictions. एक होता है depending on various method and technology from the intersection of the machine learning database management. And the statistics professional in data mining have devoted their the career to better understanding how to process and make conclusions from the hug amount of data. But what are the methods they use to make it happen?
इट रिसेंट डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट मेजर डेटा माइनिंग टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड एंड यूज्ड इंक्लूडिंग एसोसिएशन क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग प्रेडिक्शन सिक्वेंशियल पैटर्न एंड रिग्रेशंस. दिस इज द डेटा माइनिंग टेक्निक डेटा माइनिंग टेक्निक्स नंबर वन क्लासिफिकेशन टू क्लस्टरिंग थ्री रिग्रेशन आउटर सिक्वेंशियल पैटर्न एंड प्रिडिक्शन और एसोसिएशन रूल्स दीज ऑल आर डेटा माइनिंग टेक्निक्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द क्लासिफिकेशन. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन. इन द क्लासिफिकेशन टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन द इम्पोर्टेंट एंड रिलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा एंड मेटाडेटा. दिस डेटा माइनिंग टेक्निक हेल्प टू क्लासीफाई डेटा इन डिफरेंट क्लासेस. डेटा माइनिंग टेक्निक्स कैन बी क्लासीफाइड बाई द डिफरेंट क्राइटेरिया एज फॉलो. फर्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा माइनिंग फ्रेमवर्क एज फॉर द टाइप ऑफ द डेटा सोर्स एंड माइंस. फर्स्ट द दिस क्लासिफिकेशन इज एज फॉर द टाइप ऑफ डेटा हैंडल्ड. फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया स्पेटियल डेटा टेक्स्ट डेटा टाइम सीरीज डेटा वर्ल्ड वाइड वेब एंड सो ऑन. एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा माइनिंग फ्रेमवर्क्स एज फॉर द डेटा बेस इन्वॉल्व. फर्स्ट दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेटा मॉड्यूल इन्वॉल्व. एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बेस ट्रांजेक्शनल डेटा बेस एंड रिलेशनल डेटा बेस एंड शो ऑन. अनदर वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा माइनिंग फ्रेमवर्क एज फॉर द काइंड ऑफ द नॉलेज एंड डिस्कवर्ड. द क्लासिफिकेशन depends on the type of the knowledge discovered or data mining functionalities. For example, description, classification, clustering, characterization, etc. Some framework tend to be extensive framework offering a few data mining functionalities together. One is the clustering of data mining framework according to the data mining technique used. एक होता है द क्लासिफिकेशन इज एज पर द डेटा एनालिसिस अप्रोच यूटिलाइजेशन सच एज द न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग जेनेटिक एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन स्टेटिक्स डेटा वेयर हाउस ओरिएंटेड एंड डेटा बेस ओरिएंटेशन. एक होता है क्लासिफिकेशन कैन आल्सो टेक इनटू अकाउंट द लेवल ऑफ यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन द डेटा माइनिंग प्रोड्यूज सच एज द क्यूरी driven system, autonomous system, or interactive exploratory systems. Next होता है हमारा clustering. Clustering क्या होता है? Clustering is the diversion of the information into the group of connected object, descripting the data by a few clustering mainly losses certain conference detail. But accomplish the improvement modules the data by its the clustering. Data modeling puts the clustering from a historical point of the view roots in the statistics, mathematics and numerical analysis from a machine learning point of view. Clustering relate a hidden pattern. The search for the clustering is unsupervised learning. And the subsequent framework represent a data concept from a practical point of view. Clustering plays an extraordinary job in the data mining application. For example, scientific data exploration, text mining, information retrieval, spectral database application, CRM web analysis, computational biology, मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड मच मोर. एक होता है रिग्रेशन. रिग्रेशन एनालिसिस इज द डेटा माइनिंग प्रोसेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर फैक्टर. इट इज यूज टू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक वेरिएबल. रिग्रेशन प्रिमिलरली a form a planning and the modeling. For example, we might use it
टू प्रोजेक्ट सर्टेन कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स सच एज द एज कंज्यूमर डिमांड एंड कंपटीशन प्रीमिलिटी इट गिव्स द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन द गिवन डेटा सेट्स। एक होता एसोसिएशन रूल्स। दिस डेटा माइनिंग टेक्निक हेल्प टू डिस्कवर ए लिंक बिटवीन टू और मोर आइटम्स इट फाइंड्स ए हिडन पैटर्न इन द डेटा सेट। एक होता एसोसिएशन रूल्स आर इफ देन द स्टेटमेंट दैट सपोर्ट टू शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डेटा आइटम विद इन द लार्ज डेटा सेट इन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा डेटाबेस। Association rule mining has several applications and is commonly used to help sales. Correlation is data or medical data sets. एक होता है the way the algorithm work is that you have the various data, for example a list of grocery item that you have been buying for the last 6 months. It calculates a percentage of आइटम बींग द पंच्ड टूगेदर। एक होता है दीज आर थ्री मेजर मेजरमेंट टेक्निक्स। फर्स्ट होता है दिस मेजरमेंट टेक्निक्स। मेजरमेंट टेक्निक मेजर्स द एक्यूरेसी ऑफ द कॉन्फिडेंस ओवर हाउ ऑफन आइटम बी इज परचेज्ड। एक होता है कॉन्फिडेंस आइटम बी और इंटायर डेटा सेट सपोर्ट। This measurement technique measures how often multiple items are punched and compared it to overall data set. Item A plus B, entire data set, a confidence. This measurement technique measures how often item B is purchased when item A is purchased as item A plus item B upon item A. देन एक होता है आउटर डिटेक्शन। आउटर डिटेक्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक रिलेट्स टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा आइटम इन द डेटा सेट विच डू नॉट मैच द एग्जैक्ट पैटर्न और एग्जैक्ट बिहेवियर। दिस टेक्निक मे बी यूज्ड इन द वेरियस डोमेन लाइक द इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन फ्रॉड डिटेक्शन। It is also known as the outlier analysis or outlier mining. The outlier is a data point that differs too much from the rest of the data set. The majority of the real world data set have the outlier detection player and significant rule in the data mining. The outlier detection is the variable, the number of field, network, interruption, identification, credit or debit card, fraud detection, detecting outlier or wireless sensor, network data, etc. तो ये था आपका डेटा माइनिंग का। अब 6 पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल।